हले पूरी दुनिया च कोरोना का कहर खत्म नहीं होया कि एक होर वायरस ने एंट्री ले ली है जिसने लोगों नू एक बार फिर तो डरा दिता है। ब्रिटेन दे वेल्स विच मंकी पॉक्स दे दो मामले सामने आए हैं जिस नाल कोरोना दे खौफ विच जी रहे लोगों नू होर डरा दिता है। पब्लिक हेल्थ वेल्स ने कहा कि जिन्हां दो लोगों विच मंकी पॉक्स दे मामले दी पछाण हुई है वह दोवें एक ही घर विच रहिंदे हन। उसने दस्या कि यह दोवें विदेश विच इनफेक्टेड हुए हैं। दस दिए कि मंकी पॉक्स पुराना वायरस है जो ज्यादातर अफ्रीकी देशों विच पाया जाता है। दस्या जा रहा है कि दोवां इनफेक्टेड लोगों नू इंग्लैंड विच एक हस्पताल विच दाखिल करवाया गया जिन्हां विचों एक नू छुट्टी मिल गई है ते एक अजे भी हस्पताल विच दाखिल है। मंकी पॉक्स वायरस काफी हद तक स्मॉल पॉक्स दे वायरस की तरह ही हुंदा है। हालांकि यह बीमारी खतरनाक नहीं हुंदी ते माहरां दा कहना है कि इनफेक्शन की संभावना घट हुंदी है। यह वायरस ज्यादातर उष्ण कटिबंधी बरसाती जंगलों कोल मध्य ते पछमी अफ्रीकी देशों के दूर दुराडे तो हिस्सों विच ज्यादा फैलता है। इस मंकी पॉक्स वायरस के दो प्रमुख प्रकार हैं पछमी अफ्रीकी और मध्य अफ्रीकी। मंकी पॉक्स वायरस के मामले विच शुरुआत विच बुखार सिर दर्द सोज लक दर्द मांसपेशियों विच खिचा ते दर्द हुंदी है। इस विच भी चिकन पॉक्स की तरह ही दाने हुंदे ने। एक बार जदों बुखार हो जाता है तो शरीर विच दाने विकसित होने लगते ने जो अक्सर चेहरे ते शुरू हुंदे हन ते फिर शरीर के होर हिस्सों विच फैल जाते ने। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural networked community. We groom competent global citizens to affect positive change around them.